तुम लोगों ने धंधा मचा रखा है। सही, बिल्कुल, यस गाइस। सोयास गाइस, जैसे कि तुम्हें पता ही है कि थारा भाई जोगिंदर उस पागल सांड खुले में मरवाता रहता है, और अब तो उसने सीधा कैरी मिनाटी से लेकर सारे यूट्यूबर्स को डिस्ट्रैक्ट में मारने की धमकी दे दी, जिसकी वजह से मेरे साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको पेल चुके, और बदले में इसको इसके डिस्ट्रैक्ट पर व्यूज, डिसलाइक्स और रिपोर्टिंग ही मिली है। इसीलिए हमारा पागल सांड अब इतना ज्यादा पागल हो गया कि अपने छपरी मैनेजर से यूट्यूबर्स को कॉल करवा कर उसके खिलाफ बनाई हुई वीडियोस को हटवाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, जो कि तुम खुद ही देख लो। चलते हैं वहाँ पे कॉल की तरफ, जो भी इन्होंने मुझे बातें की है सीधा हम वहाँ पे चलते हैं। भाई मैं जोगिंदर का मैनेजर बोल रहा हूँ। अच्छा, थारा भाई जोगिंदर का मैनेजर बोल रहा है। टिकटॉक वालों ने भी मैनेजर रखने शुरू कर लिए है। अब 15-15 सेकंड की वीडियो बनाने वाले बंदे आजकल मैनेजर रख रहे हैं भाई। अच्छा, उसका मैनेजर बोल रहा है जोगिंदर का, उसे फोन दे जरा, उसे फोन दे एक बार, मुझे उससे बात करा जरा मेरी। भाई मैंने आपसे बात करनी है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। ओहो भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी, हमारे पागल सांड ने मैनेजर भी शायद अपने ही तरह अनपढ़ रखा हुआ है, तभी तो साले को प्रोफेशनली बात भी नहीं करनी आ रही। बट इसे सुनकर मुझे हंसी और जोगिंदर के ऊपर तरस बहुत ज्यादा रहा। खैर अभी तो तुम आगे सुनो, रिक्वेस्ट देख लेंगे कोई नहीं, तो पहले जोगिंदर से बात करा मेरी। भाई मेरी जो रिक्वेस्ट करनी जोगिंदर से करवाओ, बोलो रिक्वेस्ट करें। भाई मेरी तो सुन लो बात। हाँ बोलो बोलो। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपने जो गाना बनाया भाई पे, वो आप गाना ना प्लीज हटा दो, तो ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे। गाना क्यों हटवाना है? जोगिंदर को बोलना, तो जोगिंदर को भाई दे फोन, उसे बोल तू रिक्वेस्ट कर, मैं पूछूंगा भाई। मेरी गाना हटाना है, मेरी बात सुन लो सुपर खालसा भाई, मेरी बात सुन लो। गाना इसलिए हटाना है कि हमारा गाने पे ना पैसा बहुत लगा है, गाना हमारा ना खराब हो रहा है। पैसा आपका लगा है तो भाई फिर आपकी हरकतें भी ऐसी है ना, तो खराब तो भी करना ही है, लोग उसका मजाक तो उड़ाएंगे। अगर आप यूट्यूब कम्युनिटी के बारे में बोलोगे, पैसा लगा हुआ है, आप गाना डिलीट, गाने डिलीट की उसकी बाद में मैं सोचूंगा, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो स्ट्राइक दी हुई है ना, उसको रिमूव करो। अगर तुम लोगों को मैं ना अभी क्लियर बता रहा हूँ, अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया कि जब पिछली बार जोगिंदर ने मुझे इंस्टाग्राम पर बोला था कि गलती से स्ट्राइक दे दी मेरे मैनेजर ने, हम किसी और को दे रहे थे, तब वो सुपर खालसा को स्ट्राइक दे रहा था। और चलो स्ट्राइक दी तो दी, बट इस पागल सांड की हिपोक्रेसी तो देखो, पहले तो अपने डिस्ट्रैक्ट में सारे यूट्यूबर्स को खुलेआम मरवाने की धमकियां दे रहा था, और जब उसके रिप्लाई में किसी ने डिस्ट्रैक्ट बना दिया तो ये कह रहा है कि उसे रिमूव कर दो। वाह, मतलब खुद तो हमारा पागल सांड अपनी हरकतों से नहीं बाज आएगा, लेकिन अगर कोई लॉजिकली वे में इसको रिप्लाई कर दे तो इसकी जलकर कतई 4-64 हो जाती है। एंड इसके फटने की कहानी यहीं पर थोड़ी ना खत्म होती है। कुछ टाइम पहले भी सुपर खालसा ने इसको बोला था कि अपनी वीडियोस में यूट्यूबर्स को धमकियां मत दिया कर, तब तो इस बंदे की बोलती ही बंद हो गई थी। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ जोगिंदर बोल रहा है। हाँ जी, तेरा बाप बोल रहा हूँ सुपर खालसा। किससे बात करनी है जी? अगर तुझे कॉल लगाई है तो तुझसे ही बात करनी है, और किससे बात करूंगा? तुझे कॉल लगाऊंगा तेरे नंबर पे तो तेरे से ही बात करनी है। अच्छा चल मेरे बेटे जोगिंदर, मैं तुझे जा रहा तेरे से लंबी बात करने के लिए, मैंने तुझे कॉल नहीं किया, मैं तुझे अभी सीधी बात बोलूंगा। तूने जो अभी वीडियो बना के डाली है हमारे देश के यूट्यूबरों के ऊपर, तूने ये अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन अब तू दोबारा से अपनी औकात से बाहर निकल गया। जो तूने वर्ड्स यूज किए हैं, तुझे अब उसकी माफी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तुझे मैं प्रोफेशनल रेसलिंग का चैलेंज देने वाला हूं फाइट के लिए। और ये कोई सड़क छाप गुंडों वाली रेसलिंग नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से रेसलिंग का मैच होगा। तू बहुत बदमाश बन रहा है ना, तू कभी किसी को ट्रिगर्ड इंसान को कैरी मिनाटी कभी किसी को चैलेंज करता फिरता। अगर तेरे में दम है ना, अब तू अपने बाप का रेसलिंग मैच का चैलेंज एक्सेप्ट कर। तुझे लड़ना ही है ना किसी यूट्यूबर से, बड़ा टिकटॉक वालों की साइड लेता फिरता ना, तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबरों का तू अगर वाकई ही मैच कराना चाहता है, तो तेरा बाप सुपर खाल साहब तुझे कॉल करके तुझे मैं बता रहा हूं, तेरे में दम है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर। तो मुझे अभी जल्दी से बता, तेरी मैं ना कॉल ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, कहां पे तूने फाइट करनी है, मुझे जल्दी से जगह बता। अरे यार, ये फाइट का नाम सुनते ही कॉल काट के डर के भाग गया। नहीं ये सही है, पहले पाकिस्तान खुद अपनी वीडियोस में बोलता है कि तुम सिर्फ वीडियोस में ही बोल सकते हो, हिम्मत हो तो रियल में मिलो, और जब किसी यूट्यूबर्स ने इसको सामने से इनवाइट करा तो इसकी बुरे तरीके से फट गई। खैर इससे ये कहावत तो आज प्रूफ हो गई कि गरजने वाले कभी नहीं बरसते, और जो ये इतने टाइम से कैरी के ऊपर फालतू में वीडियोस निकाले जा रहा है ये सोचकर कि वो इसे रोस्ट करेगा तो ये फेमस हो जाएगा, तो भाई पाकिस्तान उसे तेरी वीडियो से तो क्या तेरे डिस्ट्रैक्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेरा रोस्ट करेगा और तू फेमस हो जाएगा तो ये बात तो अपने दिमाग से निकालते, नहीं यकीन आ रहा तो उन्हीं के मुंह से सुन ले। भाई थारा भाई जोगिंदर से आप डर गए हो क्या? उसको रोस्ट क्यों नहीं करते? सही, बिल्कुल, यस गाइस। देखो हंसी भी नहीं आती ना इस बात, इतनी छोटी नहीं बहुत बात हो गई, मतलब एक्सप्लेन भी क्यों ही करना भाई, ठीक है भाई मान लो भाई। और पता दिक्कत क्या है, मेरा स्पैम करते रहेंगे पूरे टाइम ना, चैट में भर देंगे।
भाई मतलब मैं स्पैमर्स जो स्पैम करते हैं उनकी शक्ल कैसी लगती होगी जब वो कर रहे होते हैं वो जीव निकाल के कंट्रोल नहीं कंट्रोल नहीं। भाई उसने ऐसा कह दिया यार, भाई आपका क्या कहना है भाई, है भाई भाई बताओ ना आपका क्या कहना है भाई, मैं होता तो मैं तो नहीं देता भाई, आप बताओ भाई, है भाई क्या लगता है भाई, भाई आपकी तो पड़ गई ना भाई, भाई पड़ गई ना भाई आपकी, कैसे कैसे पुसी हो भाई आप, पुसी हो भाई, अब वो दम नहीं रहा यार भाई, जो पहले होता था ना दम नहीं रहा यार भाई, ये लोग ना गन्ने का जूस निकालेंगे वो भी खट्टा ही निकलेगा। सही में यार कैरी जो इसको इग्नोर कर रहा है उसे देखने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि इससे जोगिंदर की और ज्यादा जल रही है, एंड ऑनेस्टली हम सबको भी इसे इग्नोर ही करना चाहिए क्योंकि ये वही डिजर्व करता है साला, इसके और पागल जोन जैसे लोगों की व्यूज आते देख लोगों को भी लगता होगा कि यूट्यूबर बनना तो बहुत ही ईजी है, लेकिन होता ऐसा कुछ घंटा भी नहीं है। बात तो सही है, बात तो मैं हमेशा सही करता हूँ, एंड अगर तुम्हें भी मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना चले मत जाना, ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना क्योंकि आज मैं वहाँ पर लाइव आकर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, तो सारे आ जाना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी क्वेश्चन छूट जाए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय। क्लास में पढ़ता रात में पढ़ता फिर भी फेल हो जाता हूँ, उठने की कोशिश में करता बार बार मैं गिर जाता हूँ, ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों उतना ज्यादा है, मुझको जो कुछ भी है मिलता सब कुछ आधा आधा है, कल जो मैं था आज जो मैं हूँ उसमें फर्क ज्यादा है, दुनिया कैसी है मुझको